हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं संजय गोयल हेयर स्टूडियो क्लिनिक से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। वो कहते हैं अगर हम हेयर पैक यूज करेंगे, अगर हम हेयर पैक लगाएंगे तो हमारे स्कल्प पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, हमारे जो पहले के हेयर है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही पूरी जानकारी मैं आपको आज दूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा स्किन के बारे में। जब आप हेयर पैच यूज करते हैं तो स्किन पे कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है, वो पूरी जानकारी देंगे। तो बेसिकली 98% लोगों को साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर आप हमारे पास से लगवाते हैं तो, क्योंकि हम जो है ये स्कल्प प्रोटेक्टर, ये USA का ब्रांड है, ये आता है और अल्ट्रा होल, ये अल्ट्रा होल्ड है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड है। अगर आपके हेड पे पहले से ही कोई एलर्जी है तभी साइड इफेक्ट हो सकता है, उम्मीद होती है। अगर आपके नॉर्मल है, अगर आपके स्किन पे कोई साइड इफेक्ट पहले से नहीं है तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, अगर इससे कोई साइड इफेक्ट होता तो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। तो दिल्ली में ही देखें बेसिकली तो बहुत लाखों लोग हैं जो हेयर पैच यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हेयर पैच से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आपके जो ओरिजिनल हेयर होते हैं, एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं जो साइड में, उनको कैसे सेफ रखना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हेयर पैच यूज कर रहे हैं तो आपके जो ओरिजिनल हेयर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम हेयर पैच लगाएं तो आपके हमारे ओरिजिनल बाल ना चले जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बाल आपके आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो करेंगे, और जो चले गए हैं वो नहीं आते हैं बाल। तो मैं आपको बता दूं, इस हेयर पैच लगाने से आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो आपको पता है जो लोग हेयर पैच यूज करते हैं उनको पर मंथ हेयर सर्विस करानी पड़ती है। पर मंथ मीन्स 20 से 30 दिन के बीच में जब आप हेयर पैच की सर्विस कराते हैं तो हेयर पैच को निकाल के इसको क्लीन किया जाता है और इसको सैनिटाइज किया जाता है और इस पर कंडीशनर किया जाता है। इतना करने के बाद आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनकी कटिंग होती है और उसमें हम लोग ये लगाते हैं नवरत्न तेल, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका 20 डेज या 25 डेज तक आपको हेयर वगैरह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब हेयर पैच लगा होता है तो आपके अंदर का हेयर वो हेयर नहीं लगा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे सर्विस में आते हैं तो महीने में एक बार आपको अगर हेड की मसाज हो जाए और ये तेल लगा के ना, तो एक आपके जो स्किन ना हेल्दी रहती है। सर्विस के दौरान हेड मसाज करने के बाद यहाँ पे कैटोमिक शैम्पू यूज़ करते हैं हेयर पे, और ये क्लिनिकली टेस्टेड है। कैटोमैक शैम्पू आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इससे आपको डैंड्रफ नहीं होता है। और इतना करने के बाद फिर आपका हेड वॉश होता है तो एकदम स्किन क्लियर रहती है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी। अगर आपको हेयर पैच के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रॉपर जानकारी चाहिए तो हमारे स्टूडियो में आप विजिट कर सकते हैं। कभी भी कंसल्टेशन, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो मैं संजय गोयल हेयर स्टूडियो क्लिनिक से, थैंक यू सो मच।